वेलकम टू माई चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो यह वोकैब सीरीज का पार्ट 5। आई होप इससे पहले जो हमने 4 पार्ट बनाए हैं वो आप सबने देखे होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा है जो डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहा है तो आई रेफर के पहले वो 4 पार्ट आप देखें अच्छे से, सो दैट आपको समझ लगे कि कैसे हम वोकैब सीरीज पढ़ रहे हैं। और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना याद से, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा पहला वर्ड है वेरी। वेरी मतलब सावधान। तो अगर किसी के अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जो पॉसिबल डेंजर हो सकता है आने वाले टाइम में, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में उसको लेके, या कोई वो सावधान है किसी सिचुएशन को लेके फ्यूचर की, तो वो क्या क्या कहलाएगा? वेरी। ठीक है, तो वेरी के ये मीनिंग हो सकते हैं। अब इसके सैनोनियम मतलब समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं? समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं? प्रूडेंट हो सकता है। प्रूडेंट मतलब केयरफुल होना। अगर प्रूडेंट पर्सन है इसका मतलब वो केयरफुल है, हर काम ध्यान से करता है, केयरफुल होके करता है। अगला है हीटफुल। हीटफुल क्या है? अटेंटिव होना। अगर कोई काम कोई इंसान अटेंटिव ध्यान से करता है, ध्यान लगा कर करता है, तो वो हीटफुल पर्सन हुआ। ठीक है, अगला क्या है? चेरी। चेरी मतलब कॉशियसली रिलक्टेंट पर्सन। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से सिमिलर वर्ड में यूज हो सकता है। अगला क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस तो ड्यूबियस मतलब हेसिटेटिंग है, जो डाउटफुल है हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन को लेके, किस काम को लेके, तो हेसिटेटिंग करेगा वो। तो चैरी और ड्यूबियस एक तरह से अपने आप में सैनोनिम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। और अगला है इसके एंटोनियम, जो विपरीतार्थक शब्द है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो विपरीतार्थक शब्द में पहला है इन अटेंटिव। इन अटेंटिव देखो, एक है हीटफुल पर्सन, अटेंटिव पर्सन, दूसरा क्या है? इन अटेंटिव, नहीं ध्यान नहीं रखता किसी भी काम में, तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनियम के रूप में यूज हो जाएगा। एक क्या है कि ट्रस्ट नहीं है, कॉशियस है, ध्यान रख रहा है, हेसिटेटिंग है, डाउटफुल है, दूसरा क्या है? ट्रस्टफुल है। ठीक है, तो एंटोनियम के रूप में ट्रस्टफुल यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है गैलोर। गैलोर मतलब किसी कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है कोई भी चीज वो गैलोर कहलाएगी। ठीक है, अब इसके सैनोनिम देखते हैं, समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है अप्लेंटी। अप्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। अगला है प्रोफ्यूशन। प्रोफ्यूशन मतलब भी सेम होता है, कोई बहुत ज्यादा चीज होना हमारे पास। अगला है प्लेथोरा, बिल्कुल सेम मीनिंग है। ग्लट, इसका भी मीनिंग सेम है। बहुत इजी था ये वर्ड, और इसके सेनोनियम भी बहुत इजी थे। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप इसके वर्ड्स के सेनोनियम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है इसके एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? एक चीज है बहुत ज्यादा मात्रा में, एक चीज है उसकी कमी है बहुत ज्यादा, तो डर्थ है, स्कैर्सिटी है, कमी है उस चीज की। ठीक है, तो इसके रिलेटेड वर्ड हमने कल भी पढ़ा था, पॉसिटी, याद होगा ना आपको? पॉसिटी पढ़ा था हमने, पॉसिटी का वहां पे भी हमने डर्थ डर्थ पढ़ा था, स्कैसिटी पढ़ा था। ठीक है, तो ये वर्ड वही कल वाले वाले में से भी ले सकते हो। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो चीजों को, जो हमने पहले वर्ड पढ़े रखे हैं उससे भी चीजों को लिंक किया जा सकता है, और इजी हो जाएगा आपको याद रखना। तो पॉसिटी का एंटोनियम गलौर भी यूज किया जा सकता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन होता है किसी भी चीज की चरम बिंदु, वो हाइएस्ट पोजिशन पे होना। अगर वो हाईएस्ट पोजीशन पे है तो क्या कहलाएगा? कल्मिनेटेड। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, कल्मिनेशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट जरूर होता है, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद मिला होता है। हाईएस्ट पॉइंट जो प्राप्त हुआ वो मिला, वो बहुत टाइम के बाद आया, इसलिए वो कल्मिनेशन कहलाता है। तो सैनोनिम इसके कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं समानार्थक शब्द? पहला क्या है? डेनमोन। डेनमोन पहला वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी प्ले है, कोई फिल्म है, या कोई नरेटिव है, उसका लास्ट पार्ट, जो फाइनल पार्ट है, वो डेनुमॉन कहला सकता है। ऐसे ही किसी भी सिचुएशन की आउटकम भी डेनुमॉन कहला सकती है। अगला है अपोथियोसिस। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस का है अगला वर्ड। एपोथियोसिस मतलब कोई भी चीज, कोई डेवलपमेंट का हाईएस्ट पॉइंट, वो भी एपोथियोसिस कहलाएगा। अगला है एपोजी। एपोजी अगला क्या है? एपोजी। एपोजी का भी सेम मीनिंग है, किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। अगला है जेनिथ।
जेनिथ को ऐसे भी यूज करते हैं कि ऐसा टाइम जब कोई चीज मोस्ट पावरफुल थी। अब मोस्ट पावरफुल है तो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तो वो हाईएस्ट चीज है। और अगर कोई सेलेस्टिकल बॉडी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे हो तब भी वो जेनिथ कहलाती है, तो जेनिथ पोजीशन पे है अपनी। तो जेनिथ को सेलेस्टिकल फॉर्म में मतलब साइंस की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और जनरल कोई अगर अपने मोस्ट पावरफुल सिचुएशन टाइम में है तो भी वो जेनिथ पॉइंट पे है अपनी। और इसके एंटोनियम विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? नादिर हो सकता है, ठीक है, बॉटम हो सकता है। अब नादिर का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट या मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट, या तो लोएस्ट पॉइंट या मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा टायरेट। टायरेट मतलब निंदा करना, मतलब निंदा के रूप में गुस्से वाला कोई भाषण देना या निंदा वाला भाषण देना। कल भी हमने इससे कुछ मिलता जुलता पढ़ा था ना, रैम्पेज पढ़ा था, जिसमें क्या था कि गलत बिहेवियर है अगर आपका, गलत तरीके से आप बोल रहे हो, ठीक है, दैट इज रैम्पेज बिहेवियर। ठीक है, तो टायरेड है आज वर्ड। टायरेड के सैनोनिम कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? इन्वेक्टिव यूज किया जा सकता है। इन्वेक्टिव मतलब ही गलत बिहेवियर, गलत तरीके से बोलना किसी को, टायरेड निंदा करने, किसी गुस्से में बोलना। ठीक है, अगला है डिनोसिएशन। डिनोसिएशन का मतलब भी वही होता है कि हमने पब्लिकली किसी को कंडेम कर दिया, किसी को पब्लिकली कुछ गलत बोला, तो वो डिनोसिएशन कहलाता है। रेंट है अगला, फ्लैक है नेक्स्ट। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इन शॉर्ट क्या मीनिंग शो कर रहे हैं कि आपने किसी की अगर निंदा की है, गलत बोला है, गुस्से में बोला है, इधर पब्लिकली और दूसरी तरह से। तो डिनोसिएशन स्पेशली पब्लिकली के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अदर वर्ड्स कैन बी पर्सनल और पब्लिकली ऑल्सो। एंड एंटोनियम्स विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट देना। अब देख लो, एक तरफ आप निंदा कर रहे हो, गुस्से से बोल रहे हो, दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसको, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? एंटोनियम के यूज रूप में यूज किया जा सकता है। हार्मनी, आप खुशी से बोल रहे हो, खुशी है चारों तरफ, तो निंदा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्से वाला बिहेवियर नहीं है, खुशी खुशी वाला बिहेवियर है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है हमारा? कैकस। कैकस है अगला वर्ड, जिसका मतलब क्या था? सभा या कोई गुट बैठक, एक लोगों का एक साथ बैठना कैकस कहलाता है। ठीक है, कोई ग्रुप का वो कैकस होता है। तो कैकस के सिनोनिम कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? क्लीक यूज कर सकते हैं, सिनोनिम समानार्थक शब्द में क्लीक यूज कर सकते हैं। क्लीक क्या होता है? कोई छोटा ऐसा ग्रुप जो अगर कोई और उसको ज्वाइन करना चाहे तो वो रिलेक्टेंट है बहुत ज्यादा, उनको ज्वाइन नहीं करने देगा जल्दी जल्दी। तो क्लीक ऐसा छोटा ग्रुप है जिसमें कोई और किसी और का मिलना जाके बहुत मुश्किल है। अगला है कॉटरी। कॉटरी ऐसा ग्रुप जिसके इंटरेस्ट या जिसका जिसके टेस्ट सेम हो। ठीक है, अगला है कॉन्क्लेव। नेक्स्ट है कांग्रेस। देखो, कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस मतलब कोई ऐसा कोई भी ग्रुप, ठीक है, उसको कांग्रेस बोल देते हैं। आगे है सीनेट। सीनेट ध्यान रखिए, सीनेट का मतलब ये ग्रुप ही है। आगे बढ़ते हैं इसके एंटोनियम की तरफ। एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द। कैकस के क्या क्या हो सकते हैं? अब एक तो ये एक साथ बैठे हो, आप मिलकर बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, एक डिसोसिएट हो, अलग अलग हो, एक ज्वाइन कर लिया आपने एक दूसरे को, एक डिस ज्वाइन कर लिया, डिस्पर्स हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब किसका टाइम है? होमवर्क का टाइम है। आकल की जो हमने पांच पांच वर्ड देखे थे उसमें से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? व्हाट विच इज द सिनोनिम एंटोनियम ऑफ प्रिकैरियस? प्रिकैरियस का एंटोनियम क्या है इनमें से? आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है, क्वेश्चन नंबर वन टाइप करना है और लिखना है प्रिकैरियस का एंटोनिम। और अगला क्या है? विच इज द सिनोनिम ऑफ रैम्पेज। रैम्पेज, रैम्पेज तो हमने आज भी देखा, तो ये तो आना चाहिए आपको। तो रैम्पेज का सिनोनिम इनमें से कौन सा है? आपको क्वेश्चन नंबर टू लिखना है और उसका एंड सिनोनिम लिखना है, राइट? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर याद से कर दीजिए, सो दैट सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस कल फिर मिलेंगे एक और वोकैब सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।